हाँ जी, जय हिंद भाई सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? अगर आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है और आपको सही अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और फिर करते हैं हम लोग आज की क्लास आपका स्टार्ट, ये सेशन स्टार्ट। बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन बाद में होगा, कैसे हम लोग MTS को कवर करेंगे, कैसे इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स जैसे CGL वाले बच्चे भी हैं या और, उन सभी पे चर्चा होगी क्लास के बीच में और क्लास के एंड में। लेकिन क्यों ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आज से, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा। और जैसा कि थंबनेल पे भी लिखा था कि यहाँ तक कि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट चल रहा हो कि सर क्या बेसिक से भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा होता है हिंदी मीडियम का जिसको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पकड़ा दिए जाते हैं और उनकी वजह से वो सिर्फ उन्हें रटता रह जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट उसे नहीं आते हैं। तो ये क्लास क्यों स्पेशल होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्यों यही क्लास ऐसी है जिसमें आपको इसके करने के बाद कुछ भी बेसिक, कोई भी पेड़ बैक, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है और इसी में सब कुछ मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे आज अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक कराने जा रहा हूं आपको पहली क्लास में, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, मेरे द्वारा लिखे गए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस MTS में अगर प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन उसी डेट का लिखा हुआ बकायदा आपको मिलेगा। तो आपको वो मेहनत नहीं करनी कि मैं कंटेंट कहां से ढूंढ के लाऊं, या कुछ क्वेश्चन मैंने दो दो तीन तीन चार चार CGL के भी डाल दिए ताकि ये भी समझ में आए कि MTS का पेपर अगर मेंस मतलब इंग्लिश पे निर्भर है तो इतना आसान भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी मिलने वाले हैं। ये सब बातें बाद में करेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। जी हाँ, पहला टॉपिक हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर हमने लिया, क्योंकि चैप्टर वाइज देखिए अगर हमारे पास 10 से 15 20 दिन होते तो हम मिसलिनियस कर रहे होते, मिसलिनियस के लिए हम वोकैबुलरी और बाकी सारी चीजें करेंगे, लेकिन ग्रामर हम पहले चैप्टर वाइज करेंगे। अगर सभी बच्चे इस चीज को पसंद करते हैं या आपको लगा कि हाँ सर हम भी यही चाह रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से सभी लोग थम्सअप मारेंगे जल्दी से एक बार, ताकि मुझे लगे हाँ जो डिसीजन मैंने लिया है वो सही है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बहुत सारा बच्चा हमारा हिंदी, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आऊंगा लेकिन पहले पहले 20 से 25 मिनट में मैं आपको सारे एक बार कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराना चाहता हूं, जिसने पढ़े हैं उसका रिवीजन और जिसने नहीं पढ़े हैं वो साथ के साथ मेरे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको चेक करता हुआ चलेगा और समझता हुआ चलेगा। लिखना नहीं है कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि PDF डालूंगा मैं, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहां आप लोगों को ये PDF जो है बाद में मिल जाएगी, उसके उससे आप लोग क्लास के बाद नोट्स बनाना। ठीक है, ओके, चलिए तो एक बार लाइक और शेयर सभी बच्चे करते हुए चलेंगे। हां जी, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट? क्या है सर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट? हिंदी में भी लिखा है डेफिनेशन को, तो कोई भी हिंदी वाला बच्चा बिल्कुल नहीं डरेगा, बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं लेकिन कोशिश करूंगा स्पीड में लेकर चलू। ठीक है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग जब होता है तो उसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी भी सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट के, यानी कि सारा खेल किसके ऊपर निर्भर है? सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ही, तो ही अपने आप में क्या हुआ? सिंगुलर। अगर मैंने आपसे कहा दे, तो दे अपने आप में क्या हुआ? प्लूरल। ये तो था आपका सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि नंबर। बट कभी कभी बात आती है पर्सन की, तो बस पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो कहने का इसका सीधा सा मतलब यह है, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत थ्योरी डीप में नहीं जा रहे हैं, तो जो काम की चीज है वो पढ़ रहे हैं कि भाई आपकी जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। कई बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी आप वर्ब नहीं लगा सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात समझ में आती है यहां तक? चलिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पहला एग्जांपल, रोहन इज डांसिंग, तो रोहन के हिसाब से हमने इज क्यों लिया? क्योंकि रोहन मेरा कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। चिल्ड्रन के हिसाब से आर क्यों हुआ? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में कैसा नाउन बना? प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट, दे अपने आप में
कैसा प्रोनाउन हुआ? प्लूरल। तो इसी के हिसाब से हमने क्या लगाया? वर्ब लगाया। तो यहां से हमने सीखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। बात क्लियर होती है यहां तक सभी को? मुझे नहीं लगता कोई बच्चा किसी भी मीडियम से होगा यहां तक उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा उस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर, इसको चाहो तो लिख लो, द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर मेन सब्जेक्ट से क्या मतलब है? तो मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूं जहां हमारा स्टूडेंट फंसता है, और ना केवल SSC, MTS, CGL या कोई भी किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, हर बच्चा इसमें फंसता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैंने आपसे कहा द फादर ऑफ दीज बॉयज इज ऑब्लिग आर इल, फुल स्टॉप। और मैंने पूछा कि बच्चों मुझे इसमें बताओ जो ये वर्ब है इज आएगी या आर, आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ जी, व्हाट शुड बी द आंसर? सीजीएल के लिए देख सकते हैं आप, पूरी क्लास देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि एमटीएस के बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीजीएल को बीट कर जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बड़ा डाउट होता है कि यार सब्जेक्ट कैसे निकालूं, तो मैं आप लोगों को एक चीज दे रहा हूं, इसको ध्यान से रखना, प्रेपोजिशन। ये आपकी बहुत मदद करने वाला है ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजों में। प्रेपोजिशन के पीछे कभी भी आपको नाउन या प्रोनाउन, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन मैंने क्या बोला है, अगर कोई भी बच्चा बेसिक्स वाला भी मेरे साथ जुड़ रहा है उसे 50 से 60 क्लास के अंदर अंदर वहीं लेकर जाना है। प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आए तो उसको हमेशा क्या मान के चलना? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं लगती है। तो इसका मतलब इससे पहले ही कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, वही किसका काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। तो इस सेंटेंस में बॉयज के हिसाब से हम क्यों नहीं गए, उसका रीजन क्या है बच्चों? कि यहां ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो बॉयज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? फादर। फादर यहां पर क्या है? सिंगुलर। तो इसके हिसाब से आंसर आया इज। कमेंट बॉक्स में अगर हर बच्चे को क्लियर हो गया हो ये कॉन्सेप्ट तो जल्दी से फटाफट जल्दी से थम्सअप मारिए फेंक के बहुत तेजी के साथ। ये है असली कहानी, ये है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करेगा आपके। मैंने बहुत सारे, जब सारे क्वेश्चंस को चेक किया प्रीवियस ईयर में, तो मुझे समझ में आया कि ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं चलूंगा तो ऐसा भी हो सकता है 20 मिनट में आप 50 60 70 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए ऑल क्लियर, दैट्स नाइस। एक बार शेयर करते हुए चलें भाई साथ के साथ। देखिए अगर शिद्दत से आपने मेरा साथ दिया ना तो मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। एक बार एयरफोर्स वाले बच्चों ने साथ दिया था, उसके बाद की सारी जो कहानी है इतिहास और ज्योग्राफी सब पूरी दुनिया जानती है। बस मैं यही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट कभी भी एंड से जुड़ेंगे वन और वन, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होंगे अपने आप में? प्लूरल। तो हमेशा वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मत, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, बाद में नोट कर लेना। तो फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है रमेश एंड महेश, ये दोनों अलग अलग, कितने लोग हैं यहां पर? दो, एक रमेश और एक महेश। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसीलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसका आंसर? हैव लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति होते तो मैं अलग अलग नहीं मानता, फिर एक ही पर्सन होता। बट जब दो लोग या दो चीजें जुड़ रही हैं वो प्लूरल ही हैं, तो इसीलिए वह प्लूरल लगेगी। अब जैसे यू एंड आई, ये PYQ का क्वेश्चन है, और पता है एक बच्चे ने इसका आंसर क्या मारा था? फिल इन द ब्लैंक्स का, इसीलिए मैंने ये दे रखा है आपको। उसने आंसर क्या लगाया? आई के हिसाब से इसका आंसर एम लगा दिया। आपके भी माइंड में हो सकता है ऐसा कि आई के अकॉर्डिंग एम, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तुम यू अलग है और आई अलग है, तुम और मैं अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल बन रहा है। तो आई के हिसाब से एम मत लगाओ, इन दोनों के हिसाब से क्या जाएगा? आर इसका आंसर आएगा। बात जहन में जा रही होगी सभी बच्चों के। टाइप वन क्लियर हो गया सभी को? ज्यादा नहीं, 15 से 20 टाइप कराऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। आएगा तो क्वेश्चन दे दूंगा अलग से अपने आप, ठीक है। बट 25 बोला था मैंने, 25 मतलब 25 करा के छोड़ूंगा। टाइप टू क्या कह रहा है?
हिंदी वाले भी सुन लो, यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया गया हो लेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध, मतलब अगर दो चीजों को एंड से जोड़ा गया हो लेकिन इन दोनों का मतलब दो नहीं है, इसका अर्थ है एक, तो इन्हें प्लूरल नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, चलिए जी, पहला एग्जाम्पल। हाँ भाई, अब तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है हिंदी माध्यम का जिसको ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत टफ हो जाने वाला है, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी बच्चों को, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चों के जहन में यही डर था कि यार बेसिक्स से नहीं पढ़ पाते हैं और अगर बेसिक्स में ही प्रैक्टिस हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं है। स्लो एंड स्टडी, बच्चों ये दो वर्ड तो लिखे हैं लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है। क्या एक मीनिंग है? परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब होता है निरंतरता, हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो निरंतरता, लगातार। अब सोचो मैंने स्लो एंड स्टडी ना लिखा होता, सिर्फ परसीवरेंस लिखा होता तो ये कैसा सब्जेक्ट होना था? सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से मुझे क्या आंसर लगाना था यहां पर? विंस। तो उसने मुझे एक तरीके से इल्यूजन पैदा कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया, दो वर्ड दिखा के कह रहा है कि भैया ऐसा मान लो प्लूरल, लेकिन मैं क्यों मान लूं? क्योंकि मैं जानता हूं आई एम नॉट एन एस, मैं कोई गधा नहीं हूं, तो मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है। तो आंसर इसका हो जाएगा विंस, ब्रेड एंड बटर। यहां ब्रेड एंड बटर का जब मीनिंग निकल कर आ रहा है तो उसने कहा अपहिल टास्क, आज की इस रेट रेस में कमाना कठिन कार्य है। मतलब यहां ब्रेड, खाने वाला ब्रेड की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है रोजी रोटी, पैसा। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत टफ हो गया है, इसका मतलब है ये सिंगल। इसका मीनिंग अगर जैसे परसिवरेंस है ना, इसका मतलब है लाइवलीहुड, रोजी रोटी, यानी कि पैसा कमाना बहुत टफ हो गया, तो ये सिंगुलर ही तो है, इसका मतलब इसका आंसर भी इज हो जाएगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों का वर्ड दो है, मीनिंग एक ही है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून, तो एक ही तो मीनिंग हुआ, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इज। ऐसे ही पेयर दे देगा, लेकिन मैंने उन पेयर का इंतजाम भी तुम्हारे लिए किया हुआ है। ये रे, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, तो ये पेयर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब सारांश, सारांश यानी कि समरी, तो ये आपको लिखे मिल जाएंगे। एक बार रिपीट कर लेना, इन्हीं में से आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी, टाइप टू हो गया, टाइप थ्री, जल्दी बताइए सही चल रहे हैं हम? क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं? क्या इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट कर लें, चाहे 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे, फिर उसके बाद आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, या सीधा क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? सीधा क्वेश्चन पे जाओगे तो 50% स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। चलिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? मोर देन वन। जब भी आप मोर देन वन का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो याद रखना आपको फंसा देगा पेपर में, आपको लगेगा एक से ज्यादा प्लूरल, लेकिन वन, वन के अकॉर्डिंग आपको नाउन लगाना है सिंगुलर, मोर देन वन तो वन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर। ठीक है, तो जब क्या क्या बोला उसने, मोर देन वन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर। मोर देन टू थ्री फोर फाइव, अगर वन को छोड़कर यहां पर टू थ्री फोर डिटर्मिनर कुछ भी आ जाए, टू थ्री फोर फाइव, तो ऑब्वियसली बात है ये प्लूरल, तो ये भी प्लूरल, और नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हो जाएगी। बात क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए आंसर बताइए फटाफट, पहले दूसरे का आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, डन, लेट्स सी आंसर, देखिए अपना अपना मैच करिए। मोर देन वन तो वन के अकॉर्डिंग नाउन कैसा हुआ सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर, लेकिन कभी कभी यहां मिस्टेक ना देके यहां दे देगा एडजेक्टिव में, तो जब नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो आपका एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, तो यहां पर हिज आएगा। अगला, मोर देन थाउजेंड स्टूडेंट्स, अब यहां पर आ गया कितने स्टूडेंट, थाउजेंड स्टूडेंट्स, तो ये कैसा हो गया प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो इसका आंसर क्या होना है यहां पर, है वो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर हो रहा है? चलिए अब आते हैं टाइप फोर के ऊपर। प्यारे बच्चों, टाइप थ्री के जो दो पार्ट थे इनमें और टाइप फोर में क्या अंतर है, एक बार जल्दी से देख लो। यहां पर जो नाउन आप लगा रहे हो, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका,
यहां पर जो नाउन लगा रहे हो वो आप डिटरमिनर के बाद लगा रहे हो। वन के अकॉर्डिंग लगाया तो सिंगुलर नाउन, टू थ्री फोर के अकॉर्डिंग लगाया तो प्लूरल नाउन, और जैसा नाउन वैसी वर्ब। लेकिन इसी को हम कैसे लिखेंगे, अगर कभी भी नाउन आपको मोर के बाद पूछ ले तो मोर के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, और जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो इसमें वन के अकॉर्डिंग मत जाना। तो एक बार आ जाओ जरा जल्दी से, जब भी आपसे मोर के बाद पूछ ले तो मोर के बाद नाउन कैसा आएगा प्लूरल, मोर देन वन। अगर बोलेगा मोर देन वन और वन के बाद नाउन लगाएगा तो सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर नाउन मोर के बाद पीछे लगवा दे तो मोर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। अब यहां वन के हिसाब से नाउन नहीं आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं वो वन के हिसाब से वर्ब कैसी लगा देते हैं, सिंगुलर। नहीं, आपको देखना है नाउन, यहां नाउन कैसा है सिंगुलर, सॉरी प्लूरल नाउन है, तो अगर बेटे प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमें क्या लगता है वन के हिसाब से सिंगुलर लगा दे, लेकिन नहीं, आपको देखना है नाउन कहां है, नाउन है मोर के बाद, तो मोर के बाद ये प्लूरल है तो ये भी हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आंसर बताइए क्या बैठेगा इसका, मोर गर्ल्स देन वन, तो मोर गर्ल्स इसका मतलब यहां मोर के हिसाब से जाएंगे, तो मोर के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, गर्ल्स प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल है तो आपको आंसर आगे क्या जाना है, आर, यानी कि वन के हिसाब से मत जाना कभी ये लगा दो। और यही गलती पेपर में बच्चे करते हैं, एक गलती सब कुछ खराब कर सकती है। लीजिए सेकंड का आंसर दीजिए फटाफट, क्या बनेगा, मोर प्लेयर्स, तो आपने देखा मोर के बाद नाउन है तो प्लेयर्स प्लूरल है यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा आप में जिसको प्रॉब्लम होगी यहां पर, बात सही चल रही है, तो एक बार लाइक मार दो फटाफट जल्दी से तेजी के साथ, लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी एनर्जी और मेरे कॉन्सेप्ट्स में कमी नहीं है तो आई थिंक आपके भी नहीं होनी चाहिए। टाइप फाइव, अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान से देखना भाई जरा सभी, अगर कभी भी आपको मैनी दिया हो तो मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो मैनी के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। बात क्लियर है, मैनी मतलब बहुत सारे, तो नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये तो सिंपल हो गया। मैनी ऑफिसर्स, तो ऑफिसर कितने हो गए, बहुत सारे, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, आर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, आइए सेकंड, मैनी कम या कम्स, ये आप लोग बताओ, कम या कम्स। अब क्योंकि हमें पता है कि मैनी का मतलब है प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, नाउन होता तो फिर ये एडजेक्टिव होता। होपफुली आप पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मत समझो, जरूरत नहीं है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब समझा देंगे, बट मैनी का मतलब इतना समझ लो, मैनी मतलब प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो फिर एसीआईएस नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहां उल्टा होता है। सुन लो भाई, अगर आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत कीमती है, कम से कम 20 क्वेश्चन इसके हैं जो मैंने ढूंढे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ध्यान रखना वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एस ऑब्लिक ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा, ये वार्निंग है, याद रखना इस चीज को, यही गड़बड़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम, लेकिन ये पेपर में बहुत आता है, मैनी के साथ प्लूरल, बट मैनी के बाद अगर ए और एन आ गया तो मैनी आ, मतलब बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, बट मैनी आ, आ का मतलब एक के जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के या बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन मैंने कहा मैनी आ, तो मैनी आ का मतलब है उस एक के जैसे, तो इसका मतलब समझ लेना कि अब जो पावर है वो किसके पास है, इस आर्टिकल के पास, और आर्टिकल ए और एन कैसा नाउन लेता है अपने पीछे, सिंगुलर, तो जब आर्टिकल ए और एन सिंगुलर नाउन लेगा तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मैनी अ बुक सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर, गैरुलस के कम से कम तीन मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, गैरुलस के तीन मीनिंग, जब वो कैब में चलेंगे तो वो कैब में भी तूफान ऐसे ही चलेगा। चलिए जी, मैनी अ गर्ल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। गैरुलस का मतलब बोलो जल्दी से क्या होगा, टॉकेटिव, दूसरा लोकेशियस, तीसरा चैटरबॉक्स। चलिए
वो कैब में ला लेंगे सारे। टाइप सेवन, कॉन्सेप्ट ऑफ मच क्या था? मैनी मतलब बहुत सारा। लेकिन याद रखना, जब भी मच आ जाए तो मच के साथ हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर, क्योंकि मच अनकाउंटेबल को रिफर करता है और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। चलिए भाई, तो मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। और मच अगर अकेला आ जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर लगेगी। तो कहने का मतलब है, मच आया तो कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर। बताओ पहले का आंसर, बोलो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, सिंस यू लेफ्ट देहरादून, जब से तुमने देहरादून छोड़ा है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हो चुका है। तो मच क्या आएगा? मच हैज हैपन्ड। दूसरे का बोलो, शी सेज, वो कहती है दैट मच मिल्क। अब देखो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, क्या हो जाएगा आंसर? हैज। ठीक है भाई, कोई डाउट याद है किसी को? टाइप एट, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ हो तो देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है और इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, तो मैं कहूंगा एक काम करो, ये पिक्चर में समझ लो, पिक्चर आपको हेल्प करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस कभी भी देयर से शुरू हुआ तो जो ये वर्ब देयर के बाद आती है ना, ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग पता है क्या सोचते हो कि सब्जेक्ट पहले ही रखा होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, यहां इन्वर्जन होता। इसमें जब भी देयर से सेंटेंस शुरू होगा तो जो वर्ब है ये आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये सब्जेक्ट बनेगा इसका। तो यहां उल्टा है, इसको ध्यान रखना। इसीलिए देयर वाले में कई बार बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, लो पहले का आंसर दो और दूसरे का आंसर दो। प्रकाश कुमार, हेलो पूजा जी, आई लव यू। इसको ब्लॉक मारना, प्रकाश को मारो मारो मारो। सस्ते आशिकों की कोई जगह, नीचे 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 नीचे, हाँ तो ऊपर ऊपर, अबे ऊपर भैया, हाँ करो करो ब्लॉक। चलिए भाई आइए, देयर वॉज ऑब्लिक वर मैनी स्टूडेंट्स, समझिए तो कितने स्टूडेंट्स थे? बहुत सारे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर। और वही स्टूडेंट्स टॉयल अवे कर रहे थे, मतलब वर्क हार्ड। टॉयल अवे का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत। तो इसका मतलब उन्हीं का जिक्र हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर ये प्लूरल है तो आगे भी कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। तो आंसर इसका हो जाएगा वर। अच्छा जी, दूसरे का देखो, देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लंप। कितना स्लंप? स्लंप का मतलब होता है गिरावट। कितना गिरावट? एक गिरावट। तो आंसर क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, ये वो आशिक हैं जो पढ़ते टाइम आशिकी करेंगे और बाद में कहेंगे कि मुझे होमगार्ड ही बना दो चाहे। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया ना, जब मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया तो आपको बताऊं उस समय पर इस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा देखने के क्वेश्चंस मिल रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एक ये और एक वन ऑफ वाला आएगा इसके बाद, दो आएंगे। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, बच्चे क्यों फंसते हैं? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक संख्या। अक्सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यह प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इन दोनों में अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, द नंबर, द मतलब पर्टिकुलर, डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट, तो इसका मतलब एक संख्या जो डिफाइन कर रही है, डेफिनेट संख्या। उसने कहा कक्षा में जो विद्यार्थी है उनका डेफिनेट नंबर बताना, तो उसने कहा 350, तो 350 वो डेफिनेट नंबर हो गया। मतलब कितना नंबर हुआ? एक नंबर। तो जब भी द नंबर कहेगा तो एक संख्या, एक संख्या का मतलब है कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर। लेकिन जब भी अ नंबर ऑफ, किसने कहा कितने स्टूडेंट है? सर अ नंबर ऑफ, शादी में कितने रिश्तेदार बुलाओगे? अ नंबर ऑफ, ठीक है, पड़ोसी के घर जाके कितने पटाखे छोड़ाओगे? अ नंबर ऑफ, नौकरी लगने के बाद। तो जब भी अ नंबर ऑफ आए तो इसका मतलब मैनी, और मैनी का तो आपको पता ही है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो दोनों समझ में आ गया, तो इसको ऐसे याद कर लेना कि भैया पड़ोसियों के घर पटाखे छोड़ाएंगे कितने? अ नंबर ऑफ, ठीक है, ये वाला।
और द नंबर मतलब डेफिनेट नंबर सिंगुलर। आ जाओ जी फटाफट, तीनों के आंसर मुझे स्पीड में दो जल्दी से। अगर अभी तक तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो और सब कुछ क्लियर चल रहा हो तो फिर हम सही जा रहे हैं, फिर तो तुम इसका मतलब बहुत सारा फिर तुम्हें बेस, फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अगले 60 दिन मुझे दे दो, 25/20 की मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना तेजी से अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और तुम्हें समझा पा रहा हूं और तुम समझ पा रहे हो तो तुम बहुत उसे आगे। और सुनो चैलेंज दे रहा हूं, अगर इस क्लास को किया तो MTS का नाम लिखा है, लेकिन CGL प्री में हमारे बच्चे झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि प्री की बात कर रहा हूं अभी मैं। एटलीस्ट अ नंबर ऑफ मतलब मैनी आर द नंबर स्टूडेंट्स का, द नंबर मतलब एक संख्या, तो एक संख्या यानी कि इज कितने कैंडिडेट्स, अ नंबर ऑफ बहुत सारे, तो आंसर हो जाएगा हैव। अब गलती नहीं करोगे कभी भी, ये है भाई वो, इस पे वेरी वेरी चाहे 4 बार लिख दो वो भी कम है, इतना इंपॉर्टेंट है ये वन ऑफ। चलिए वन ऑफ हमेशा याद रखना, इधर देखो जल्दी से, मुझे ना पिक्चर से ज्यादा मजा आता है। मान लो यहां पर बहुत सारी कन्याएं हैं, ठीक है भाई, और इन सब की नौकरी लगी है और इनमें से सबको शादी करनी है, ठीक है, तो इनमें से एक ने कहा, आपका नाम ले लेता हूं किसी का, अभिनव मिश्रा, ठीक है, तो इन लड़कियों में से एक लड़की की शादी हमने अभिनव मिश्रा से करा दी। अब बच्चे पता कहां इसमें फंसते हैं, वो कहते सर लड़कियां तो बहुत सारी हैं लेकिन शादी सभी ने नहीं करनी ना, सभी की थोड़ी करनी है, इस एक से कितनी करनी है, एक की, तो वन ऑफ, तो यहां पर बहुत सारी तो हैं लेकिन उनमें से कितनी की कराई, एक की शादी कराई, आगे समझ में। तो ये खेल क्या है कि ज्यादा में से एक, वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, वन ऑफ यू, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, आगे बात समझ में। चलो जी, तो इसीलिए ज्यादा में से एक, तो अभी मैं बता रहा हूं और जब क्वेश्चन आएगा मैं वही बात पूछूंगा, याद रखना पेपर में सिर्फ यही गलती नहीं देता कि इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी, यहां भी दे देता है वन ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर दे देगा। सोचो दिमाग से, वन ऑफ के बाद कभी नाउन सिंगुलर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक में से एक थोड़ी निकालेंगे, एक से ज्यादा में से एक निकालेंगे, तो इसीलिए वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही होगा। तो आ जाओ वन ऑफ माय बैड हैबिट्स, तो कितनी बुरी आदतें हैं उसकी, बहुत सारी, लेकिन उनमें से एक, और उस एक का नाम क्या है, टोबैको इज। हाँ जी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यहां तक क्लियर है। GS के लिए क्या करें बेटा, GS के लिए भी हम सजेस्ट करेंगे, डोंट वरी, अगर हमने इंग्लिश की गारंटी ली है तो उसके लिए भी बताएंगे आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, अगर 3000 बच्चे लाइव चले और 2000 लाइक हो तो इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। खैर चलिए, वन ऑफ देम, देखिए देम है बहुत सारे, उनमें से लेकिन एक, तो सब्जेक्ट ये हो गया, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैज। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, एडजेक्टिव भी सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी इसको जरा ध्यान से सुनना, ये बी वाला जो है ये समझ में तुम्हें तब आएगा जब मैं थोड़ा सा पिक्चर बना दूंगा। शी हैज टू डॉटर्स हु इज ऑब्लिग आर इन क्लास 10th। जल्दी बताओ फटाफट, आंसर बोलो क्या आएगा, इज या आर, इज या आर, ध्यान से बताना जरा सोच समझ के।
एयरफोर्स के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हो, अगर आप एयरफोर्स एक्स वाई के लिए तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एमटीएस का लेवल इससे थोड़ा ऊपर ही रहता है एक्स वाई ग्रुप से, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आराम से कवर कर लोगे। आ जाओ, शी हैज टू डॉटर्स हु। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, इसको समझ लो, हु विच होम दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, बस इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लो कि इससे पहले जो भी वर्ड दिया हो आपको, एंटीसीडेंट कहते हैं इसे, नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हो, जैसा ये होगा, सिंगुलर होगा सिंगुलर, प्लूरल होगा प्लूरल, वैसी ही आगे क्या आएगी, वर्ब आएगी, वैसी ही वर्ब आएगी। तो यहां पर शी हैज टू डॉटर्स, उसके दो बेटियां हैं जो क्लास टेंथ में, तो ये हु कौन है, ये डॉटर्स ही तो हैं उसकी, तो इन्हीं का तो जिक्र आगे चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। यही मैं समझाना चाह रहा था। आ जाओ, जब ये वाला टाइप आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब कभी स्मरण नहीं देगा, फिर आगे चलेगा वन ऑफ, फिर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन दोनों प्लूरल रहेंगे, लेकिन बीच में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा, क्योंकि हम वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा, आपको कह सर ये प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल होगा, तो आगे वर्ब हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो ये कंफर्म है कि प्लूरल वर्ब आएगी। इस केस में यहां प्लूरल वर्ब लगाना, बच्चे इसमें वन ऑफ के हिसाब से फंस जाते हैं, वन मतलब सिंगुलर, बट ये बीच में कौन बैठ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ जाए तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाना। आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आसानी से आ जाएगा। लो जी, पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों एग्जांपल, गीता इज, ये इज किसके हिसाब से आया, गीता के हिसाब से, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियों में से एक है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन ने खेल बिगाड़ा है। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा है कि भैया मेरे से पहले एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो जब लड़कियां प्लूरल हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, तो आगे जो जिक्र होगा वो इन्हीं लड़कियों का होगा, क्योंकि इसी को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, तो अगर ये प्लूरल है तो आंसर क्या आएगा, हैव। सबसे ज्यादा तंग करता है ये क्वेश्चन। अच्छा दूसरे में आ जाओ, शी के हिसाब से इज आ गया, ये तो दिक्कत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये रहा प्लूरल, और इसी के हिसाब से आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, हैव। बात क्लियर हो गई। टाइप 11, फटाफट स्पीड में भैया, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई बच्चे प्रॉब्लम में होगा। देखिए, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउन्स आर जॉइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग, देख लो भाई जरा एक बार, यदि दो नाउन प्रोनाउन किस किस से जोड़े जाए, विद, ये इससे तो क्वेश्चन आता है 100% आता है, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, बिसाइड्स, रादर देन, एकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, बट, एक्सेप्ट, तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। अच्छा आपको रीजन भी दे देता हूं क्यों लगेगी। एक बार बताओ, विद से अगर दो जोड़ा या अलोंग विद से जोड़ा, ठीक है, एक नाउन यहां रख दिया, एक नाउन यहां रख दिया, तो यार सोचने वाली बात है, ये अपने आप में प्रिपोजिशन ही तो है, और प्रिपोजिशन के पीछे नाउन अभी क्या बताया था, ऑब्जेक्ट, तो पहले वाला ही तो होगा सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब, जैसा ये होगा सिंगुलर होगा सिंगुलर, प्लूरल होगा प्लूरल, तो रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठोको ताली फटाफट जल्दी से, मजा आ गया तो बात में। सर इसके दो एग्जांपल और बताओ, कौन से वाले के, दो की जगह मैं चार लिख दूंगा, डोंट वरी, पर आप मुझे वो बताओ कौन सा वाला। लो जी, इसी को बोल रहे होंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लीजिए भाई, अब क्या पकड़ा आपने इसमें, ये पकड़ लिया अलोंग विद, तो ये तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा, पीएम सिंगुलर है तो आंसर क्या आ जाएगा, हैज। यहां पर क्या पकड़ लिया, एंड नॉट, तो यहां वीना कर रही है, एंड नॉट हर फ्रेंड, उसके दोस्त ये काम नहीं कर रहे हैं,
जो प्राइज जीता है वीना ने जीता, एंड नॉट, अगर ये एंड होता तो इन दोनों ने जीता होता, लेकिन एंड नॉट का मतलब है ये कैंसिल हो गया, तो वीना के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। अच्छा उस बच्चे ने जो पूछा था वो यही पूछना चाह रहा था, ये वन ऑफ के जो रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखो आसान है, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लेयर्स क्या है यहां पर, प्लूरल, अब प्लूरल के हिसाब से SEIES नहीं आता तो प्ले आंसर होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको ये डाउट। थर्ड का आंसर बताओ क्या होगा, यू एंड नॉट शी इज ऑब्लिग आर अकाउंटेबल फॉर योर फेलियर। देखो एंड नॉट इसका मतलब इसका जिक्र नहीं हो रहा है यू के हिसाब से, और यू के हिसाब से आंसर क्या होगा, आर। टाइप 12, यदि इन दिए हुए कंजक्शन से आपने दो सब्जेक्ट जोड़े S1 और S2, तो हमेशा आपकी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, S2। अभी तक हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे थे, S1, अब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, S2। कौन कौन से हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, या अकेला और या अकेला नॉर, 1 2 3 4 5 6, और सबसे ज्यादा पेपर में जो फंसेंगे वो ये तीन ऊपर वाले, हाईलाइट कर लेना बाद में। सर हु होम का यूज, गर्वित शर्मा बेटे जिस दिन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उस दिन खत्म कर दूंगा हु होम का यूज, 50 दिन मांगे मैंने आपसे, मैं अपने आप जहां मुझे जो लगेगा वो अपने आप कर लूंगा, तुम बस करते चले जाओ। देखिए जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज कहते हैं विश्वास, अगर ये तोड़ देना इंसान तो फिर वो इंसान नहीं है, फिर वो जानवर, उसमें फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक ही चीज बोली, बस आपको एक ही चीज करना होगा, विश्वास। अगर 50 दिन बोले हैं तो 50 दिन विश्वास कर लो, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े मंच पे आके मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ से, ठीक। और 12 साल 13 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए तो आई नो हाउ टू डील विद दैट, ठीक है। बस आप लोग करते जाओ, नहीं करोगे तो फिर कोई भगवान भी आ जाएगा उतर के, कुछ नहीं हो सकता। देखिए और सबसे पहले और ही आ गया, तो इसका मतलब सेकंड वाले के क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग जाना है तो आंसर क्या होगा, आर। नॉट ओनली द PM बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, तो बट ऑल्सो यानी कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर। Neither I nor my friends, तो neither nor में भी second के according जाएंगे, तो answer क्या हो जाएगा, वर। Clear हो गया यहां तक सभी को, चलिए जी type 13। अब कुछ noun ऐसे होते हैं जो देखने में हमें plural लगते हैं लेकिन actual में singular होते हैं, जैसे मेरा नाम है मान लो राम, तो singular है तो राम is, बट अगर मैं कोई बड़ा सा नाम रख दूं राम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वो, तो आप सोचोगे यार इतना बड़ा नाम तो प्लूरल नहीं, नाम कुछ भी हो नाम नाम ही होता है सिंगुलर। तो ऐसे ही कुछ हमें कंफ्यूजन वाले नाम देता है जो कंफ्यूज करते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के नाम अरेबियन नाइट्स, हम क्या सोचते हैं नाइट्स मतलब नाइट का प्लूरल नाइट्स, राते, ये राते नहीं है, ये अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, और नाम कैसा होगा सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इज। ऐसे ही बिलियर्ड में एस लगा, एस लगते ही हमें लगता है प्लूरल, लेकिन ये नेम है किसका, गेम का नेम है, नेम ऑफ द गेम, तो आंसर क्या हो जाएगा वॉज। न्यूज कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन, तो आंसर ये भी क्या हो जाएगा वॉज, ठीक है। अच्छा ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्टेड, ये वर्ब चैप्टर चलेगा तो बड़ा बता देंगे, किसी भी वर्ब के लास्ट में या कभी भी कास्ट भी आए तो ध्यान रखना तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो चाहे वो फॉरकास्ट हो, इसमें ईडी नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ भाई, लाइक में और करंट व्यूअर्स में डिफरेंस है, यानी कि कितने का है, 800-600 का। ओहो, थ्री इडियट्स मूवी का नाम है, नोवेल का नाम है इज, अ टेल ऑफ टू सिटीज ये भी नाम है, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा वॉज। क्लियर है सभी को, लीजिए भाई द यूनाइटेड स्टेट्स ये किसका नाम है, कंट्री का नाम है, तो कंट्री का नाम है तो इसका मतलब सिंगुलर है, यूएसए को ही तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आंसर क्या आएगा, डू किसके साथ लगता है प्लूरल के, तो सिंगुलर है तो क्या आंसर आएगा डज। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स बताओ, सब्जेक्ट, भाषा का अध्ययन, तो आंसर क्या हो जाएगा इज। बात क्लियर है सभी को। गुलीवर्स ट्रेवल्स ये भी एक किताब का नाम है,
पेपर में इन्हीं में से आ जाएगा, अगर देगा आपको तो बाहर नहीं जाएगा, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले भाई अब देखिए 43 मिनट्स हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट हमारे पास इस क्लास में बचे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बचे हैं आज के, 7 कॉन्सेप्ट बचे हैं इन, क्योंकि लंबे खींचेंगे तो हम इसके 7 कॉन्सेप्ट कल ले लेंगे कल की क्लास में। एक चैप्टर को 2 दिन दूंगा, 2 दिन में उससे बाहर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। अब जल्दी से 16 मिनट में एमसीक्यू सॉरी पीवाईक्यूज पे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ताकि हमें पता तो चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आर यू रेडी, यस और नो, फास्ट। और इसीलिए मैंने कहा था ये क्लास द बेस्ट, क्योंकि इसी क्लास में बेसिक्स और इसी क्लास में जो मेहनत दिन रात तुम्हें करनी थी वो सारी मैं करके आ चुका हूं। रेडी? तो टारगेट बनाते हैं 15 मिनट में 30 क्वेश्चन का, मिनिमम 30 क्वेश्चंस का। चलिए स्टार्ट, एक क्वेश्चन को 10 सेकंड दूंगा मैं। ओके टाइम ओवर। स्टर्लिंग इज ओनली 24, स्टर्लिंग जो है केवल 24 साल का है, बट हैव अचीव्ड, लेकिन उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपने फुटबॉल करियर में। अरे भाई किसने अचीव कर लिया है? स्टर्लिंग ने, इसी के हिसाब से तो इज आया, और इसी ने अचीव किया है तो हैव की जगह आंसर होगा हैज। बोल शंकर भगवान की जय। अगर इस स्पीड से चलोगे तो तूफान मचाने वाले हो तुम लोग। वोकैबुलरी भी लेंगे, डोंट वरी, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो कैसा तूफान लाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। चलिए, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कहने के लिए बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब तुम में से कुछ बच्चे जो है इसको क्या कर रहे होंगे कि इसका आर कर दो। एक्चुअल में जब हम किसी चीज को कहते हैं समथिंग, तो वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इसमें फ्यू के हिसाब से आर ना करके इसके हिसाब से लिटिल करोगे, क्योंकि लिटिल क्यों किया उसका मतलब सुन लो, उसका रीजन क्या है। लिटिल इसलिए किया दैट जब जैसे मैं कहता कि मेरे पास कहने के लिए ना के बराबर है, तो आई हैव लिटिल टू से, आई हैव फ्यू नहीं लिटिल, ठीक है। वैसे अगर आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो फ्यू के हिसाब से आर भी आ सकते हो, बट सही अप्रोप्रिएट यही है, ठीक है। और इसके हिसाब से आपने ढूंढ लिया होगा कि यार ये तो प्लूरल, फ्यू तो प्लूरल में आता है, तो इसका आंसर ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। गो फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जी, सम पीपल, पीपल प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? आर। मेरे क्वेश्चंस नहीं है, डेट लिखी है, चेक कर सकते हो जाके आप, ठीक है। इससे मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि आप पढ़ते चलो, आपके 25 में से 25 सेट होने वाले हैं। चलिए जी, इट टेक, अरे भैया इट तो सिंगुलर होता है, इट तो दुनिया दुनिया जानती है इट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है अभी बताया था मैंने, एस या ईएस, तो इट टेक्स हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जाम। एग्जाम में फेल होने पर उसके उसको रिकवर करने में, गेट ओवर का मतलब है रिकवर, आपको फ्रेजल वो भी कराऊंगा, रिकवर होने में टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मुझे अपना स्कोर बताना बाद में क्या रहेगा। संजीव सर आपने हमें कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ाए? भाई इसलिए पढ़ाए, कई लोगों के पेट में अगर दर्द हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक वाला बैठा है हिंदी माध्यम का, अब उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको पता होगा अभी तो पढ़ाया था एज वेल एज, दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके हिसाब से नहीं, मदर मदर के हिसाब से वॉज, भाई उसका भी तो हक बनता है ना 25 में 25 लाने का। चलिए जी, आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में। देखिए क्यों पढ़ाया कॉन्सेप्ट,
प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद पुलिस, पुलिस कई लोगों को लगता है कि प्लूरल होता है, लेकिन यहां सब्जेक्ट पुलिस नहीं है, आपका सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका मतलब एसपी। एसपी समझते हो कौन होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एक ही तो व्यक्ति होता है, आर्टिकल ए सिंगुलर, आंसर क्या हो जाएगा? हैज। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है ना? चलिए, पुजारी रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है भाई, सिंगुलर के साथ तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो तुम इसे कर दो रिक्वेस्टेड पास्ट में, या इसे कर दो रिक्वेस्ट, लेकिन एज इट इज नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि पुजारी ने रिक्वेस्ट की होगी, कोई टेंपल बन रहा होगा कि भैया उसके लिए वो पैसा मांग रहा होगा, तो उसने रिक्वेस्ट की थी पास्ट, तो भी सही हो जाएगा। रिक्वेस्ट में लगाओगे वो रेगुलर कर रहा है, रूटीन में कर रहा है, बार बार कर रहा है, प्रेजेंट के हिसाब से फिर ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एज इट इज नहीं रख सकते, तो एरर यहीं पर है। तो इसमें आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो और रिक्वेस्ट में एस भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे वहां पर। ठीक, सर पोल दिया करो बेटा, पोल पोल नहीं खेलेंगे, ये पोल पोल में 5-10 क्वेश्चन होते हैं, बकवास ज्यादा होती है। रीता वॉज अ मॉडल, शो शी वुड स्टार्व हर, रीता जो थी वो मॉडल थी, इसीलिए वो अपने आप को स्टार्व करती थी, मतलब खाना कम खाती थी ताकि अपनी बॉडी वेट को मेंटेन कर सके। कौन? रीता। रीता सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, तो देयर की जगह क्या आएगा? हर। उसे ही तो अपना बॉडी वेट करना है। तो मैंने एक बात सिखाई थी कि बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब न देके कभी कभी सब्जेक्ट के हिसाब से एडजेक्टिव पूछ लेगा, बोल के चला था, मैंने कहा था रिसर्च करके आया हूं मैं पूरी, कहां से क्या चल रहा है पेपर में, क्या आ रहा है, उसे पढ़ लो, एज इट इज चीजें बनेंगी एग्जाम में, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइव सेकेंड्स, देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे ये जो दीज प्लेयर्स है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, अभी तो बताया था प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? ईच, और ईच का मतलब क्या होता है? सिंगुलर, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज। वन ऑफ द फ्रेंड्स आ गया ना, वही बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है सीधा सीधा, वॉज। अब ज्यादा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ओके टाइम ओवर, इतना ही टाइम मिलेगा भाई। आफ्टर द मैच, मैच के बाद एवरी प्लेयर मतलब सिंगुलर, और प्लेयर कौन है? पर्सन है। ऑफ द टीम, टीम का हर खिलाड़ी वेंट बैक, वापिस चला गया टू इट्स हाउस। यार इट्स जो है ना ये नॉन लिविंग के लिए आता है या किसी एनिमल के लिए आता है, और प्लेयर जो है वो कौन है? पर्सन, और पर्सन के लिए इट्स की जगह क्या हो जाएगा? हिज, अपने घर चला गया। ठीक है भाई, आठ मिनट बची हैं बच्चों, 8 मिनट में 18 क्वेश्चन करने हैं, कैसे बनेगा बात? 30 तो देखो करने हैं किसी भी तरीके। चलिए, नोट डाउन माय फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट डाउन करो, इन केस यदि यू अपने पीछे कभी भी SAIS नहीं लेता, याद रखिएगा आई वी यू दे, इनके साथ कभी भी आप SAIS को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब कितने हैं? प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से इज नहीं होगा, आर। अच्छा, आर भी ना लगा के, क्योंकि इस साल उन्होंने बेहतर किया है तो हैव डन। क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस में, जैसे आई हैव डन, मैंने किया है, तो ऑल हैव डन, उन सभी ने किया है, तो इसीलिए प्लूरल, एरर यही बनेगा सीधा। ठीक है,
हाँ जी, अभी क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? द डॉक्टर विद हिज, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएंगे? इंटर्न्स, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा? डॉक्टर, डॉक्टर के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। लो भाई, मतलब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया था ना अभी, ये भी हो गया था। ये मिस्टेक है इसमें, सॉरी, है ना, टाइपिंग प्रॉब्लम है। हाँ जी, पीपल, पीपल यहां पर अपने आप में क्या है? प्लूरल। अगर पीपल प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आस्क में से एस या ई एस हट जाएगा। पीपल समटाइम आस्क्स, नहीं आस्क। और जो ये इज का आर कर रहे हो, सुधर जाओ तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंगुलर नहीं है गैस का नाम, तो इसके हिसाब से इज नहीं आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इधर देख रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं ध्यान दे रहा, तुम्हारी हरकतों का नहीं पता मुझे। चलिए जी, इतना टाइम एनफ। ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स, इंसान जो है वो पैदा भी करते हैं और खाते भी हैं, आगे समझ में? तो इसका मतलब तुम दो चीजें करते हो, ह्यूमन बींग्स प्लूरल हो जाएगा, आर सही है, ह्यूमन बींग्स मतलब जितने भी इंसान हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कभी आपको मैन दे देता तो मैन सिंगुलर होके पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर देता है, तो वहां मैन इज भी कह सकते हो आप, ठीक है। मैन प्लूरल नाउन का भी कंसेप्ट, मतलब सॉरी, मैन पूरी ह्यूमैनिटी को भी इंडिकेट करता है, पूरी मानव जाति को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने दिया, मजा आ गया सर, अभी तो बहुत आएगा बेटे, जिसने भी इसका आंसर दिया, एक बार हम देखते हैं जरा कौन इसका आंसर देगा, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। सर संकल्प 2.0 का टाइम चेंज कर दीजिए, मॉर्निंग में कर दीजिए। हाँ करेंगे बेटा, क्योंकि इस समय तो फिर ये यूट्यूब पे क्लास रहेगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, करते हैं आज ये कल में। लीजिए भाई, लैंड रिवेन्यू वॉज वन ऑफ, मुझे बताओ वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था? वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है मेरे भाई। तो वन ऑफ द मेजर सोर्स, नहीं सोर्सेज, मतलब बहुत सारे इनकम के सोर्सेज में से एक कौन है? लैंड रिवेन्यू। मैंने इसीलिए तो कहा था कि सिर्फ वर्ब को मत देखना, कभी कभी क्या वन ऑफ के बाद नाउन दे देगा, गड़बड़ कर देगा, और वही कर दिया यहां पर उसने। देखिए सिर्फ क्वेश्चन छाप के कोई भी आ सकता है, लेकिन पूरी रिसर्च करके बहुत मेहनत लगती है इसमें, और पेपर किसी भी एग्जाम की रिसर्च करके ही निकाले जा सकते हैं कि वो क्या सोच के बैठा और कैसा क्वेश्चन दे रहा है। माई टीचर सेट टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो कहावत है, प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होती है। तो यहां पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि ऑल यहां पर सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल, और इसीलिए इसमें ऐसा लगा और इसीलिए सिंगुलर है, और ये प्रोवर्ब भी, इसको वैसे भी लर्न कर सकते हैं आप। ये सीधा वर्ब का क्वेश्चन दे दिया उसने, एरर दे दिया, हालांकि इतनी देर में तो देख के आपको आंसर। अच्छा ये गलती से एक दो क्वेश्चन जीडी का भी डल गया, एसएससी जीडी का भी, कोई होगा उसका भला हो जाएगा, बट इसलिए डाल दिया था क्योंकि लेवल वही रहता है, जीडी और एमटीएस का सेम ही रहता है, ठीक है। क्या था इसमें? हैड अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, या हैज या हैव अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर्ड होगा ना, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने जानबूझ के नहीं डाला, बट बाय मिस्टेक एक दो क्वेश्चन डल गए उसमें, बट डल गए तो अच्छी चीज है। ठीक है मेरे भाई, द टॉर्नेडो, और एक बार बताऊं आज की बात याद रख लेना मेरी, एसएससी जीडी में अगर तुम मुझसे 4 महीने पढ़ लोगे तो गारंटी से लिख के दे रहा हूं, हिंदी वर्सेस इंग्लिश का कंपैरिजन कर दूंगा, इंग्लिश में नंबर ज्यादा आने के चांस होते हैं, ज्यादा मार्क्स, लेकिन पढ़ना यही लेवल पढ़ेगा आपको। द टॉर्नेडोज ऑन, अब टॉर्नेडोज जो है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ एसएएस नहीं आता, तो आंसर इसका हो जाएगा सी।
जीडी में इंग्लिश आती है। हाँ बेटा इंग्लिश, अरे तभी तो ये क्वेश्चन है, 2021 22 23 के क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन आता है, चूज आता है, तो वहां तत्सम तदम तदंती, ठीक है, तो उससे क्योंकि इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको जीडी में भी काम आएगी, एसएससी में भी काम आएगी, एमटीएस में भी काम आएगा, सीएचएस में भी काम आएगा, एयरफोर्स में भी काम आएगा, तो इसीलिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो ना, ढंग से पढ़ लो। रेडियम इज वन ऑफ, और जब मैं कह रहा हूं हिंदी मीडियम वालों को के लिए मैं बैठा हूं यहां पर, वन ऑफ द मोस्ट, तो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्युएबल मेटल्स, क्योंकि ये है नाउन, नाउन प्लूरल बनाना है, एडजेक्टिव का प्लूरल मत बताना, ये एबल जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है भैया। हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को बहुत टीचर पढ़ा दे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं, तुम्हें टेंशन मत लो, तुम चाहे कितने भी लेवल पे क्यों ना हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें वहीं ले जाके छोड़ूंगा। और तुमसे अगर ईंट से ईंट ना बजवा दी भाई साहब तो नाम बदल देना मेरा। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो जब भी सेंटेंस रेयरली, सेल्डम, नो सूनर से स्टार्ट होगा या हार्डली से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आता है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आगे दिया होता है। तो यहां डिस्कवरीज कितनी है, बहुत सारी प्लूरल, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव। भाई टाइम हो गया खत्म, लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन शॉर्ट रह गए। ठीक है, द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन, देखिए फ्लड सिचुएशन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इन है प्रेपोजिशन, कॉन्सेप्ट उसी को फॉलो करो, इन जो प्रेपोजिशन वाला बताया, प्रेपोजिशन के बाद ईस्टर्न रीजन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद कंट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहां पर, फ्लड सिचुएशन, बाढ़ की स्थिति, स्थिति क्या है यहां पर, सिंगुलर, रिमेन्स। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों समय इजाजत नहीं दे रहा है, उसका कारण है कि 9 बजे से ही मेरा संकल्प बैच चलता है, जो बेसिक टू एडवांस, जिसमें क्या कहते हैं आपकी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, तो भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ठीक है, कि देखिए मैंने आपसे 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन में का मतलब है अभी भी टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है, लेकिन मैं 50 ही दिन कोशिश करूंगा, ताकि उसके बाद बचे हुए 10-15-20 दिन में आपको धमाकेदार प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, तो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने एक बार शिद्दत से विश्वास किया, बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। देखिए दो दो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं, जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तो वो कोई कुछ ना कुछ डिजर्व करता है, और मैं आपसे बस यही प्यार डिजर्व करता हूं जो आप आपने दिया। होता क्या है, स्टूडेंट पहले 2-3 दिन तो अच्छे से पढ़ते, फिर पढ़ते हैं लेकिन कभी छोड़ के कभी नहीं। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि इसी बार नौकरी मिले, और तुम्हें पता है मैथ्स की और रीजनिंग की वैल्यू नहीं है इस एग्जाम में, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है, तो सिर्फ, और जीएस में लिख के ले लो, 25 में 25 की गारंटी नहीं दे सकता कोई भी, ये कह सकता है कि मैं मैक्सिमम दिला दूंगा, बट नहीं आते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी में है उनसे पूछ लेना, नहीं आते हैं कितना भी कर लो, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि 25 में से 25 टिक करके आएंगे, और बहुत बच्चे इस बार करके आएंगे 25 में 25, और उस समय मैं रिजल्ट डालूंगा, तो इसीलिए वहां कम अगर होते हैं तो इसको उठा के रखो, इसको 20 या 21 में भी सेटिस्फाई नहीं होना, एक एक नंबर, क्योंकि तीन एक 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 क्वेश्चन तीन नंबर बहुत बड़ी बात होती है, पॉइंट से बाहर हो जाएगा बच्चा, और उसके लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, अब तुमने करना क्या है, फटाक से सुन लो जल्दी से, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है अभी, कल हम शाम को फिर से रात को मिलेंगे 8 PM पे ही, रात को सेम। हाँ बेटा फ्री ही है ये बैच, यूट्यूब पे फ्री चलेगा, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा, तो उनसे मत डरा करो यार, ऐसा नहीं कि मैं यहां पर आके तुम्हें, मेरा ऑलरेडी पेड बैच चल रहा है, उसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है, वो चलता रहता है। तो सुनिए ध्यान से, 8 PM पे कल हम मिलेंगे। अभी तुमने क्या करना है, जो PDF है ये इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल, देखिए कमेंट बॉक्स में देख लो, वहां पे लिंक लगा हुआ, उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
क्या है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, ठीक है, उसमें मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, उससे बना लेना नोट्स। जो बच्चा मुझे सबसे बेहतरीन नोट्स बनाकर भेजेगा अच्छी हैंडराइटिंग में, मैं अपनी तरफ से उसे गिफ्ट दूंगा, गारंटी से कह रहा हूं और यही अनाउंस करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस, तो मैंने 25 कराए हैं, मैं आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालूंगा आंसर की के साथ, उसके क्वेश्चंस आप लगा लेना, और कल मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा आप लोग का, 2 दिन में खत्म करके, उसके अलावा आपका नहीं आएगा। तो ऐसे चलूंगा मैं, बट मैं वोकैब का भी ध्यान रखूंगा, और वोकैब कैसे आने वाली है वो कल रिवील कर देंगे उसके बाद, ठीक है भाई। तो बस आज की क्लास में आप यही रखते हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिल की इच्छा होती है कि बड़े भाई के नाते आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, तो आप इस के नीचे कमेंट बॉक्स में, एक एक कमेंट में सबसे चाहूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो शेयर करिए और लाइक करिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे सभी बच्चों से, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सकता है इस टाइम पे, स्ट्रगल के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करें, दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन इसी का नाम संघर्ष है। कल जब नौकरी लगेगी तो अच्छा तभी लगेगा जब आप संघर्ष कर रहे हो, और ये लाइफ में सबकी में आता है, ठीक है। तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद, बाय बाय।